गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलिए अब हम लॉस ऑफ प्रॉफिट की इस क्वेश्चन को करेंगे। द प्रेमिसेस ऑफ एक्स वाई लिमिटेड वर पार्शियली डिस्ट्रॉयड बाई फायर ऑन 1st March 2014 एंड एज अ रिजल्ट द बिजनेस वाज प्रैक्टिकली डिसऑर्गेनाइज्ड अप टू 31st August 2012। द कंपनी इज इंश्योर्ड अंडर अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर ₹1,65,000 हैविंग एन इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ क्लेम अंडर द पॉलिसी। एक्चुअल टर्नओवर हमारा दे रखा है, टर्नओवर फॉर द करस्पॉन्डिंग पीरियड दे रखा है लास्ट 12 मंथ पर, ठीक है। टर्नओवर फॉर द 12 मंथ दे रखा है अप टू डेट ऑफ फायर्स, नेट प्रॉफिट, इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड टर्नओवर। ड्यू टू द सब्सटेंशियल इंक्रीज इन ट्रेड बिफोर एंड अप टू द डेट ऑफ टाइम ऑफ फायर, इट वॉज एग्रीड देन एडजस्टमेंट ऑफ 10% शुड बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अपवर्ड ट्रेंड। मतलब हमारी मार्केट जो थी ना ग्रो कर रही थी और 10% का अपवर्ड ट्रेंड बनता है। द कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस 9,300 इमीडिएटली आफ्टर द फायर एंड बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर द टर्नओवर ड्यूरिंग द डिसलोकेशन पीरियड वुड हैव बीन ओनली 55,000। मतलब हमारा जो टर्नओवर आया वो 80,000 आया है, अगर हम ये 9,300 नहीं करते तो सिर्फ हमारा 55,000 रह जाता है। देयर वॉज ऑल्सो सेविंग ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 2,700 इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस एज अ रिजल्ट ऑफ फायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन करते हैं। आग हमारी लगी है 1 मार्च 2014 को, दिस इज अवर डेट ऑफ फायर। 1 मार्च से 31 अगस्त 2014 तक ये हमारा अफेक्टेड पीरियड है। इसका मतलब अगर मुझे सेल देखनी है तो 1 मार्च 2013 से 31 अगस्त 2013 की सेल देखूँ मैं और उसके बाद देखूँ कि इस पीरियड में ये लास्ट ईयर की सेल है और ये मेरी करंट ईयर की सेल है, तो पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस है। इसके पहले के 12 महीने की जो सेल होगी अप टू डेट ऑफ फायर ये कहलाता है हमारा एएटी, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, ठीक है। चलिए तो अब एक एक करके हम वर्किंग नोट बना दें। पहला वर्किंग नोट हमारा जीपी परसेंटेज करेगा। जीपी परसेंटेज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन टर्नओवर। क्वेश्चन में देख लें, नेट प्रॉफिट दे रखा है 90,000 का, इंश्योर्ड है 60,000, और टर्नओवर आपका है 5 लाख का। इसका मतलब है ये 30% आपका जीपी परसेंटेज बनता है। वर्किंग नोट टू निकलेगा हमारा शॉर्ट सेल का। शॉर्ट सेल से मतलब है सेल ड्यूरिंग 1st March 2013 टू 31st August 2013। ये क्वेश्चन में दी रखी है कितनी है, सेकेंड लाइन पे दे रखी है दूसरे टेबल पे 2,40,000 की। इसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि अपवर्ड ट्रेंड 10% का हम लेके चले, तो अगर आग नहीं लगती तो ये होती हमारी सेल्स शुड बी 1st March 2014 से 31st August 2014 के बीच में। एक्चुअल सेल कितनी है, ये एक्चुअल सेल है हमारी 80,000 की। इसका मतलब है ये हमारी शॉर्ट सेल आ गई 1,84,000 रुपए की, ठीक है जी। तीसरा वर्किंग नोट बना लें,
GP on AAT. So हमारा AAT इसका मतलब है turnover for 1 मार्च 13 से 28 फरवरी 14 तक का कितना है, ये हमारा है 6 लाख रुपए। इसके बाद इसमें हम अपवर्ड ट्रेंड भी लेंगे, ये होता है 60,000। तो 6,60,000 हमारा बना एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। जीपी ऑन एटी 6,60,000 का 30% एक लाख 98,000। ठीक है, चौथा वर्किंग नोट हमारा बनेगा, जीपी ऑन एटी आ गया, चौथा वर्किंग नोट देखिए। अब हमारा जीपीओ ने एटी निकाल दिया, हमने सेल निकाल दी। अच्छा, क्वेश्चन में अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दे रखे हैं। सो अब हमें सिर्फ निकालना है क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस। क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस ये होता है लिस्ट ऑफ फॉलोइंग। नंबर वन एक्चुअल एक्सपेंसेस, ये हमारे हैं 9,300। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडिशनल सेल, ये आएगी हमारी 25,000 इंटू 30% 4,500। ठीक है, 25,000 इंटू 30% 7,500 होती है। 7,500 25,000 कैसे आया, 80,000 की एक्चुअल सेल है, अगर हम ये खर्चे नहीं करते तो 55,000 ही रह जाती। और तीसरा है एडिशनल एक्सपेंसेस इंटू जीपी ऑन एटी अपॉन जीपी ऑन एटी प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, दैट इज 9,300 इंटू 1,98,000 अपॉन 1,98,000 प्लस 5,000। ये अमाउंट आती है 9,071। सो लीस्ट 9,071 और 9,300 और 7,500, तो लीस्ट है हमारी 7,500। ठीक है, ये चारों वर्किंग नोट बना के अब हमारी मेन बॉडी पर क्वेश्चन आ जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सो क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, नंबर वन जीपी ऑन शॉर्ट सेल 1,84,000 का 30%, ये आ गया 55,200। ऐड करेंगे हम इसमें
claim for additional expenses, working note 4 से आएगा 7500, टोटल कर दें तो ये हो गया 62,700, लेस करेंगे सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 2700, तो ये नेट क्लेम बचा। ठीक है, अब देखिए पॉलिसी अमाउंट कितनी है, पॉलिसी अमाउंट क्वेश्चन में दे रखी होगी, ऊपर कहीं दे रखी है 1,65,000 की है पॉलिसी अमाउंट, और जीपी ऑन एटी कितना है 1,98,000। तो हम लिखेंगे सिंस पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन जीपी ऑन एटी, एवरेज क्लॉज अप्लाई करेगा, सो क्लेम फॉर प्रॉफिट 60,000 into 1,65,000 upon 1,98,000, ये हमारा 50,000 का क्लेम होगा। ठीक है, सो इन्हीं सीक्वेंस से हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट किया। चलिए, अभी तक आपको समझ ही आ रहा होगा, कोई दिक्कत है दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। थैंक यू।